सत श्री अकाल दोस्तों, मैं अमन गडाणी, स्वागत है तुहाडा साडे यूट्यूब चैनल उपर। अज दी मेरी वीडियो अपस्टॉक उपर है। तुसीं किवें अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो अपस्टॉक उपर। अपस्टॉक की एक डिस्काउंट ब्रोकर साइट है जो अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है अपना डीमैट अकाउंट खोलने वास्ते। अगर तुसीं शेयर मार्केट वगैरह में या म्यूचुअल फंड वगैरह खरीदना चाहते हो तो एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पैंदी है। जिवें अपना बैंक खाता हुंदा है उसी तरह अपना एक डीमैट अकाउंट हुंदा है जिहदे विच अपने शेयर्स वगैरह सेव रहिंदे ने। तो सिर्फ दो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हुंदी है, अपना आधार कार्ड ते पैन कार्ड। 5 मिनट में अपना अकाउंट खुल जाता है तो वेरीफाई 1-2 दिनों में हो जाता है तो तुम शेयर मार्केट वगैरह इन्वेस्ट कर सकते हो। होर इदा इनफॉर्मेटिव वीडियो देखने वास्ते चैनल के नाल जुड़े रहो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल में सबसक्राइब जरूर करो। चलते हैं डेस्कटॉप उपर, तो जानते हैं किवें आप अपना अकाउंट अपस्टॉक उपर खोल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम सारे जिन्हें भी अपने डिस्काउंट ब्रोकर ने जिरोधा ग्रो ऐप है तुम उन्हें लिंक भी मिल जाएंगे। अगर तुम अपना अकाउंट खोलना चाहते हो तो उत्थे जाके भी अकाउंट खोल सकते हो। चलते हम डेस्कटॉप उपर देखते हैं कि किवें अपना अकाउंट खोलिया जाता है। हाँ जी दोस्तों, डेस्कटॉप साइट पर आ गए हैं। अपस्टॉक न्यू अकाउंट भर के सर्च करांगे या तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक पर जाके क्लिक कर सकते हो साइन इन करने वास्ते। तो जो भी पहला लिंक मिले तुम उसे क्लिक कर सकते हो। काफ़ी ऑप्शन होर भी होंदिया ने, जो भी लिंक क्लिक करना चाहो। ओपन फ्री अकाउंट साइट पेज खोल जाएगा इन्हों का। इन्होंने अपनी कुछ एडवरटाइजमेंट की हुई है, फ्री डिजिटल गोल्ड वगैरह। ओके, पढ़ने तो बाद जो भी अपनी एड्रैस ईमेल एड्रैस ही भरना चाहते हो, जो चाहते हो कि जिन्हें अकाउंट लिंक रहे वो भरो। उस तो बाद अपना फोन नंबर भरो। फोन नंबर भरने तो बाद सेंड ओटीपी ते क्लिक करना है कि तुहाडे फोन ते एक ओटीपी आएगा, उन्हूं आपां कन्फर्म करना हुंदा है। ओके, ओटीपी आ जाएगा अपने फोन के उपर। तो अपन कुछ सैकेंड मिलते हैं ओटीपी कन्फर्म करने वास्ते। तो आप सिंपली जो भी अपने को फोन ओटीपी आएगा उन्हूं आपां इहदे विच भर देंगे तो वेरीफाई एंड साइन इन कर देंगे। थोड़ी इंटरनेट की स्पीड के अकॉर्डिंग टाइम लगेगा। वो साइन इन करने तो बाद जो भी नैक्सट पेज खुलेगा अपनी पैन डिटेल वगैरह फिल करनी होगी। पैन कार्ड के जो अपने फ्रंट पे नंबर लिखा होता है कैपिटल अक्षर से वह फिल करना है। ये पैन कार्ड डिटेल भरने तो बाद जो भी डेट ऑफ बर्थ थोड़ी लिखी है, जो थोड़ी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ पैन कार्ड से या आधार कार्ड उपर लिखी उही फिल करनी है। आपां सिलेक्ट कर लेंगे किहड़ा मंथ है, सिलेक्ट करांगे। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने तो बाद सिंपली नैक्सट कर देना है। आपां और कुछ परसनल डिटेल फिल करांगे, आपां इहदे विच जो भी जेंडर्स वगैरह होगा अपना, जेंडर अपना सिंगल हो मैरिड हो, डिटेल भरनी है। जल्दी जल्दी भी फिल कर देने हैं। थोड़ी एनुअल इनकम कितनी है वो फिल करनी है, ट्रेडिंग में कितना है, साल का एक्सपीरियंस है वो फिल करो। कुछ भी भर सकते हैं, कोई ज़्यादा चेकिंग नहीं होती इस चीज़ की। ओके, नो कर दो। की काम करते हो, अगर प्राइवेट सैक्टर हो तो प्राइवेट सैक्टर भर दो, गवर्नमेंट हो गवर्नमेंट भर दो। इज़ योर कंट्री ऑफ, सिंपली यस कर दो। उस तो बाद जो भी कंडीशन वगैरह टैक्स रिलेटेड लिखी होंगे उन्होंने तुम पढ़ सकते हो। तो आई एक्सैप्ट करने तो बाद नैक्सट पर क्लिक कर देना है, उन्होंने चंगी तरह पढ़ लियो। नैक्सट कर दें अगले प्रोसीजर वास्ते। विन ए फ्री स्टॉक, चलो वधिया, फ्री स्टॉक ठीक है जी। जैसे आई वॉन्ट ए फ्री स्टॉक, जैसे आई वॉन्ट आई फ्री स्टॉक से क्लिक कर देने। वैसे ही प्रमोशन कर दे अपनी डिजिटल सिग्नेचर जो भी साइन वगैरह कर दिए। तो सिंपली अगर डेस्कटॉप पे कर रहे हो तो तुम कर्सर नाल कर सकते हो। साइन करने तो बाद इन नैक्सट कर देना तुम।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਮਰਾ ਐਕਸੈਸ ਮੰਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਸੈਲਫੀ ਆਪਣੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਮਰਾ ਐਕਸੈਸ ਮੰਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਲਾਓ ਗੋਟ ਇਟ, ਚਲੋ ਸਮਾਈਲ ਕਰੋ। कैप्चर कर दो, एक्सेप्ट कर दो। नेक्स्ट करके हम तुहाडी बैंक डिटेल मंगेगा कि बैंक तुसी विड्रॉ कराना चाहते हो, मतलब विड्रॉ कराना चाहते हो, डिपॉजिट कराना चाहते हो, जिहड़े अकाउंट तुसी लिंक करना चाहते हो उहदी डिटेल भर दो, अकाउंट होल्डर का नाम भर दियो, IFSC कोड भर दियो, बैंक डिटेल भर दियो, अपनी बैंक नंबर भर दियो अकाउंट का, तो उन्होंने रीकनफर्म करो एक बार दोबारा। IFSC कोड जो अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो तुम इंटरनेट तो चैक कर सकते हो अपनी ब्रांच का भर के। अकाउंट टाइप देख लो की है, थोड़ी सेविंग है या करंट अकाउंट है। IFSC कोड भर दियो, उस नैक्सट कर दियो। थोड़ी मेल ID ते तुहानू एक वेरीफिकेशन वास्ते OTP गया होगा। अपनी मेल ID लॉगिन करने तो बाद उन्हों कॉपी पेस्ट करके देते ही फिल कर दो। OTP भरन तो बाद नैक्सट करो अगले प्रोसीजर वास्ते। लिमिटेड टाइम ऑफर, ठीक है जी, साइन अप कर दो फ्री। तो अगर तुम इंटरनेट कर रहे हो तो तुम्हें 20 रुपए चार्जस पैदे ने। ये चार्जस बारे जो वीडियो होगी मैं तुम्हें नैक्सट वीडियो में दसागा, जो भी चार्जस रेंगे ने फिर किमें बाय एंड सैल कर सकते हो वो बारे नैक्सट वीडियो गल करा। ओके ठीक है जी, नैक्सट कर दो। ये तुम्हें पूछेगा कि अगर तुम सिंपल शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करना चाहते हो, मतलब म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हो तो ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन या करंसी कम्युनिटी सैगमेंट से करना चाहते हो तो जैस एक्टिव दिस सैगमेंट, फिलहाल मैं जरूरत नहीं है तो मैं नो आई विल लेटर से कर दाँगा। बट अगर तुम करना चाहते हो तो सिंपली यस करके जो भी तुम डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी वो फिल कर दौ, ये उस बार नैक्सट कर दें। थोड़ा ई साइन मंगेगा जो आधार कार्ड तुहाडा, अगर तुहाडा आधार कार्ड लिंक है अपने मोबाइल नंबर ना तो तुसी सिंपली इन्हों ई साइन दे सकते हो, नहीं तो तुसी डाउनलोड करके इन्हां दे एड्रेस उपर भेज सकते हो। मेरा नंबर लिंक है तो मैं इन्हां नूं सीधा ही ई साइन कर दाँगा। ओके ठीक है जी, ई साइन नाउ। अपनी गवर्नमेंट डाटा अवेलेबल हुंदा वा NSDL दी साइट ते, तो तुसी उन्हों अलाउ कर सकते हो कि तुहानू शेयर कर दे अपस्टॉक दे नाल उहदा आधार कार्ड डिटेल। ओके टिक कर दो, तो अपना आधार कार्ड नंबर भर दो जो तुहाडा आधार कार्ड नंबर है। आधार कार्ड नंबर भरन तो बाद तुसी सेंड OTP ते क्लिक करना है, जो तुहाडा नंबर लिंक होएगा तुहाडे आधार कार्ड नाल उहदे ते OTP आएगा, तो OTP तुसी कन्फर्म करना हुंदा है तां कि इहनां कोल इक डिजिटली तुहाडा आधार कार्ड पहुँच जाए। OTP फिल करने तो बाद वेरीफाई OTP कर दियो। ध्यान रखो सिर्फ 3 ऑप्शन मिलती ने अपन वेरीफाई OTP। हम तुम अपना डाउनलोड कर सकते जो भी तुहाडा ई साइन का डॉक्यूमेंट हो गया उनकी कंप्लीट। चलो तुहाडी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, हुण 2 या 3 दिन में तुहानू तुहाडा यूनीक ID नंबर मिल जाएगा तो पासवर्ड मिल जाएगा। ये जो तुम ई साइन वास्ते डॉक्यूमेंट भेजे वो उन्होंने PDF भेजी है, तुम चैक कर सकते हो, पढ़ सकते हो डिटेल वगैरह जो लिखी ये हम। थोड़ा ऑनलाइन प्रोसीजर खत्म हो गया है, वो खुद चैक करेंगे एक बार वेरीफाई करेंगे, उस तो बाद एक्टिवेट होएगा अकाउंट तुहाडा। अगर तुम अपस्टॉक की ऐप यूज़ करना चाहते हो प्ले स्टोर पर जा सकते हो, एंड्रॉयड तो एप्पल दोनों वास्ते अवेलेबल ने, और काफ़ी भी अपने को डिस्काउंट बुक करने उन्होंने बारे भी वीडियो बनावगा मैं आने वाले टाइम से,
कि टीवी वगैरह से ऐड देखी होगी आप स्टॉक की, शेयर मार्केट वगैरह काफ़ी लोग मानते हैं कि रिस्की है। ये भी मैं डिटेल बेसिक वीडियो बनावांगा कि अपने शेयर मार्केट वगैरह किमें इन्वेस्ट कर सकते हो, एक ही चीज़ें तुम्हें ध्यान रखने की जरूरत पैंती है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो में लाइक करो, चैनल में सबसक्राइब करो, बेल आइकन दबा दियो ताकि आने वाली वीडियो मिलती रहन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।